नमस्ते दोस्तों, लिव टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिस्किट मैंगो डेजर्ट। ये बहुत आसानी से बन जाएगा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने टूटे हुए बिस्किट ले लिए हैं और ये मैरी के बिस्किट हैं। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट के भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और ये 1.5 कप के लगभग बिस्किट हैं, इनको हम ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे 1.5 कप पानी और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम फाइन पीस लेंगे। दोस्तों देखिए ये बिस्किट हमने पीस लिए हैं। गैस पर हमने एक पैन रख लिया है, अब इसमें हम ये सारा मिश्रण डाल देंगे और इसको हम एक बॉईल आने तक इसको हम तेज फ्लेम पर ही रखेंगे। हमें लगातार चलाते रहना है। इसमें हम ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल देंगे और इसको डाल के हम लगातार चलाएंगे। फ्लेम हमने एकदम स्लो कर दी है, स्लो पर ही पकाना है इसे। एकदम कॉर्नफ्लोर पाउडर पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है डायरेक्ट। ये देखिए 1 मिनट में आराम से गाढ़ा होने लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसको छोड़ना नहीं और लगातार हमें पकाना है। तो हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे या बटर लगा लें या घी लगा लें। देखिए अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसको हम थोड़ा इस तरह से कटोरी नुमा बना लेंगे। दोस्तों देखिए ये बनके तैयार हैं, बंद कर रहे भाई। ये मटेरियल तैयार हो गया है, अब इस तरह के हम बाउल ले लेंगे। अब इसमें हल्का सा हम तेल लगा देंगे चारों तरफ। अब इसका एक पीस लेंगे, एक पार्ट हमने लिया और इसको हम इस बाउल के ऊपर, इस बाउल को हम कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। इसको हम एक लोई लेके इस बाउल के ऊपर इस तरह से इवनली फैला देंगे। देखिए बहुत आसानी से ये प्रोसेस हो जाएगी। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए, ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगी। तो एक आम को हमने ये देखिए कट करके ले लिया है, अब इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम दूध डाल लेंगे, हम 1 कप यूज करना है दूध को। पीस लेंगे तो हम पीस कर हमने एक पैन में डाल लिया है। इसमें अब ये दूध भी मिला देंगे जो बचा हुआ दूध को, और साथ में ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर मिला देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने ये गैस पे नहीं रखा है गर्म होने। दोस्तों देखिए ये हमने सारा अच्छे से मिला लिया है, इसको हम अब गैस पे रख दिया है और एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लगातार चलाते ही हमें इसे पकाना है। अब दोस्तों इसमें 2 बड़े चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन थोड़ा मीठा अच्छा लगेगा इसलिए मैंने डाल लिया और इसको हम मिला लेंगे। तो देखिए गाढ़ा हो गया है, गैस हम बंद कर देंगे और इसमें हम ये थोड़े से कटे हुए आम के पीसेस डाल देंगे
और इसको हम मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए इस एक घंटा हो गया मैं फ्रिज में रखे हुए, इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए ये कटोरी नुमा हो गया है, इसमें हम मैंगो का डेजर्ट भर देंगे। थोड़े से ये हम कटे हुए मैंगो डाल देंगे। थोड़ी सी हम सजाने के लिए टूटी फ्रूटी डाल देंगे, आप चॉकलेट चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और आप इसको एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए बिस्किट और मैंगो का डेजर्ट बनके तैयार है और देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसको हम ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।